करीबन अपनी लाइफ के 2 घंटे बर्बाद करने के बाद मैंने ये मूवी देख ली। और जो लोग इसे बकवास कह रहे हैं, मैं उन लोगों को एक बात कह दूं, तुम लोग गलत हो, ये बकवास नहीं, बहुत ज्यादा बकवास है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं 2020 की एक और घटिया मूवी के बारे में, यानी सड़क 2 के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है महेश भट्ट ने। इसके अंदर कास्ट है आलिया भट्ट, जो महेश भट्ट की बेटी है। ऑब्वियसली बाप अपनी बेटी को आगे बढ़ाएगा, भले बेटी को घंटा कुछ ना आता हो। और इसके अलावा है पूजा भट्ट, जिसके पिता यानी महेश भट्ट की सोच ये है कि वो पूजा भट्ट से शादी करेंगे। मैं यार कभी कभी ये सोचता हूं कि इस इंसान के साथ महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस करती होंगी। और इनके अलावा कास्ट है संजय दत्त, वही AK-47 वाले, और आदित्य रॉय कपूर और बाकी अन्य कलाकार। अब इस मूवी की कहानी की बात करते हैं। यार कहानी तो इसके अंदर है नहीं, जो इसमें कचरा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्या नाम की एक लड़की है जो फेक गुरु से बहुत ज्यादा परेशान है। एक फेक गुरु इसके अंदर दिखाया गया है, पता नहीं ये फेक गुरु वाला कॉन्सेप्ट कब खत्म करेंगे, बट इस फेक गुरु के कारण बहुत ज्यादा इसको परेशानी हो रही है और फेक गुरु भी इससे बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये लोगों को उसकी सच्चाई के बारे में बताना चाहती है कि कितना बड़ा फ्रॉड है। आर्या का जो बाप है और उसकी सौतेली माँ यानी मौसी भी, ये दोनों इसके ऊपर यकीन नहीं करते। इसकी सौतेली माँ यानी इसकी मौसी, जिसने अपनी ही बहन का कत्ल करके अपनी बहन के पति से शादी कर ली पैसों के लिए, वो आर्या को पागल करार देना चाहती है ताकि इसकी जायदाद के ऊपर ये कब्जा कर ले। और ये 21 साल की होते ही वसीयत में लिखा हुआ है जैसे 21 साल की हो जाएगी सारी जायदाद आर्या के नाम हो जाएगी। पर आर्या को यह बात पता है, इसलिए वो घर छोड़ के भाग जाती है। अब उसके पीछे उसके घर वाले भी पड़े, यानी जो इसकी सौतेली माँ है इसके पीछे पड़ी हुई है ताकि इसको जल्द से जल्द खत्म कर सकें। और उधर गुरु जो है, गुरु के जो फॉलोअर्स हैं, वो भी इसको मारना चाहते हैं। वैसे एक बात बता दूं, जो इसकी सौतेली माँ है इसी ने इस फेक गुरु को खड़ा किया हुआ है। और वो इसके अपने पति को भी इस गुरु के पास ले जाती है और कहती है कि इसकी इसको भगवान की आवाजें सुनाई देती हैं। पता नहीं यार, मैं कह रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट कहां से चुन चुन के लाते हैं। तो आर्या की जान खतरे में, और इसकी जान बचाने के लिए अब आता है रवि, जिसे प्ले किया संजय दत्त ने, जो अपनी जान लेना चाहता है, जिसकी वाइफ अब मर चुकी है, जो पूजा थी जो मर चुकी है। अब वो अपनी लाइफ से इतना ज्यादा परेशान है, इतनी दुखी आत्मा दिखाया गया, वो अब जान बचाता है आर्या की। और फिर लास्ट में इसके एक सस्पेंस खुलता है। सस्पेंस ये खुलता है कि जो आर्या का जो बाप था, यही जो है वो सब प्लानिंग कर रहा था, जबकि जो इसकी मौसी थी वो तो एक मोहरा थी और कुछ नहीं थी। तो लास्ट में जो इसका बाप मर जाता है और लास्ट में ये रवि यानी संजय दत्त ये भी मर जाता है, होता है इस कहानी का दी एंड। अब इस वाहियात कहानी के बाद अब बात कर लेते हैं इसकी वाहियात परफॉर्मेंस की। वाहियात परफॉर्मेंस इसलिए मैंने बोली क्योंकि इसके एक एक सिंगल बंदे ने, यानी इसके एक एक सिंगल आर्टिस्ट ने इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी। मुझे लगता है कि वहां पर कॉम्पिटिशन चल रहा था कि कौन सबसे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस देगा। और सच में यार, मैं कोई इसलिए नहीं इस मूवी के विरुद्ध हूं कि भाई हाँ इसमें नेपो किड आ गए, मुझे उससे कोई लेना देने नहीं। अगर तुम अच्छा काम करते हो, तुम्हारे पास अच्छी स्टोरी है, अच्छे टैलेंट है, तो तुम दिखाओ यार, तुम्हें अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन जब वो चीज है ही नहीं तो कहां से अप्रिशिएट कर दें उस चीज को। तो मैं सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के बेस पे, जो इसके अंदर कहानी दिखाई गई उसके बेस पे इस मूवी को जज कर रहा हूं। इसके ट्रेलर में आप लोगों को एक डायलॉग सुनाई दिया होगा, वो ये डायलॉग भी मैंने इसमें सुना, मतलब जिसमें आलिया भट्ट कहती है भगवान हमारे साथ है इस सड़क पर। आई एम डैम श्योर कि भाई आलिया भट्ट ने खुद ने ये अपना जो डायलॉग है फिर से नहीं सुना होगा, क्योंकि आलिया भट्ट खुद को पता होगा कि उसने कितना ज्यादा हक दिया है। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, जो इसके कास्ट है, वो सारे के सारे इतने ज्यादा आलसी दिखाए गए हैं। मुझे लगता है कि यार कम से कम जो आर्टिस्ट थे, जो एक्टिंग करने वाले थे, कम से कम उनको एनर्जी ड्रिंक पिलाकर उनसे एक्टिंग करवा लेते। अब देखो यार, OTT प्लेटफॉर्म तो वैसे ही बदनाम हो गए क्योंकि इसके ऊपर इतने ज्यादा डम यार्ड इकट्ठे हो गए, इतना ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया। एक और कचरा आ गया, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बट फर्क तब पड़ता जब ये थिएटर में आ जाती, और थिएटर में यार को कोई ना देखता। वैसे फर्क तो अब भी इन लोगों पे पड़ने वाला है, क्योंकि जो जितने भी ये जो किड्स हैं, जो स्टार किड्स हैं, जो टैलेंट के दम पे नहीं बल्कि अपने पिता के जो बनाए हुए हैं जो धंधे हैं उनके दम पर ये आगे आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे मैं डेफिनेटली ये कहने वाला हूं कि आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे, ये कहेंगे कि प्लीज हमारी मूवी जाकर देख लो। क्योंकि एक बार अगर विश्वास खत्म हो जाता है लोगों में से इनके प्रति, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, मार्केट वैल्यू इनकी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो कोई भी मार्केटिंग करने वाली कंपनी इनके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी नहीं होती, वो इनके ऊपर एक फुटी कोड़ी भी नहीं लगाती। एक तरीके से कहेंगे कि कोई इनके साथ काम करने के लिए कुछ नहीं होगा, कोई डायरेक्टर कुछ नहीं होगा, कोई दूसरा एक्टर इनके साथ काम करने का कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको खुद ये डर लगा रहेगा क्योंकि इनकी जो रेपुटेशन है ऑलरेडी भारत के अंदर बहुत ज्यादा डाउन चली गई है, तो हम इनके साथ काम करके अपना करियर क्यों बर्बाद करें। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट करने वाली है इनके आने वाले करियर के ऊपर। जो दूसरों का हक मार के मूवी लेने वाले जो ये लोग हैं, एक दिन सच में ये कहूंगा कि वो सच में आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगते हुए नजर आएंगे कि इनकी मूवी थिएटर में जाकर देखो। दुनिया की सेकंड मोस्ट डिसलाइक वीडियो बनने के बाद, जो इसका सड़क 2 का ट्रेलर था, अब IMDb के ऊपर ये मोस्ट, मैं कहूंगा कि मोस्ट डिसलाइक या फिर जो सबसे ज्यादा कम रेटिंग इसको मिली है वो इसी मूवी को मिली है, 1 out of 10 star। अगर मेरी बात करो मैं इस मूवी को कितना देना चाहूंगा, देखो यार IMDb के ऊपर तो वहां पर तो ऑप्शन था नहीं कि इसके लिए 0 दे पाऊं, लेकिन यहां पर मैं दे सकता हूं, इसको मैं देना चाहूंगा 0 out of 10 star। अगर कोई भी, अगर
स्टार इससे भी नेगेटिव होता, -1 -2 में तो इसको ये भी दे देता यार। इतनी कचरा मूवी है ये। जो कलंक मूवी आई थी उसके बाद मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ी कलंक मूवी है, जो इस 2020 की सबसे फ्लॉप मूवी साबित होती है। वैसे भी फ्लॉप मूवी है। और देखो मैं किसी को ये नहीं कहने वाला कि ये मूवी जाकर देखो यार, ना ही देखो तो बेटर है, क्योंकि 2 घंटे तुम्हारी जिंदगी के कहीं और इन्वेस्ट कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ और चीज देख लो, कुछ कैमरे की चीजें देख लो, कुछ फोटोग्राफी सीख लो, कुछ भी सीख लो जो तुम्हें सीखने को मिले, बट इस मूवी को देखकर अपना टाइम खराब मत करना। सच में यार ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, जेन्युइनली बात कर रहा हूं यार। कोई मैं ये नहीं किसी के प्रति मुझे नफरत है, महेश भट्ट प्रति ऐसे इंसान मुझे पता है यार, ये इंसान इंसानों की आइडियोलॉजी क्या है, ये लोगों के सामने क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं एक्चुअल में अगर मूवी के बारे में बात करूं, इसकी कहानी, इसके अंदर एक्टिंग, इनके बारे में बात करूं, तो ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। आप लोग जाके इसको देखें, इवन मैं कहूंगा ये थूकने के लिए भी डिजर्व नहीं करती। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।